हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर एक, अमरूद को भूनकर खाने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। नंबर दो, गर्मियों में आंवले का शरबत पीने से प्यास कम लगती है और लू के रोगों से बचाव होता है। नंबर तीन, पाँव के बल बैठ कर कोई काम ना करे, ऐसा करने से नज़र कमज़ोर होती है। नंबर चार, रोज नहाने वाले व्यक्ति कम बीमार होते हैं। नंबर पाँच, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है। नंबर छः, अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना दोपहर के समय थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ ले, दर्द में आराम मिलता है। नंबर सात, यदि चक्कर आने की समस्या हो तो गुड़ खाया करें, इससे एनर्जी मिलती है। नंबर आठ, रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करने से बीमारी जल्दी नहीं आती और नींद भी अच्छी आती है। नंबर नौ, रोटियों के डिब्बे में लौंग रख देने से रोटियां मुलायम बनी रहती है। नंबर दस, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा का कम से कम प्रयोग करें। नंबर 11, खाने के बाद बदहजमी या खट्टी डकार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज पर नींबू निचोड़ कर खाने से बदहजमी नहीं होती है। नंबर 12, सुबह जागने के तुरंत बाद एक गिलास गर्म पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है। नंबर 13, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार चावल के पानी का इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग तेज़ी से निखरता है। नंबर 14, यदि आप मांस सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग आपके लिए बेहतर सुझाव हो सकता है, क्योंकि मूंग में मांस से ज़्यादा प्रोटीन होता है। नंबर 15, यदि आपका शरीर दुबला पतला हो तो नारियल का सेवन करें, इससे शरीर मोटा और ताकतवर बनता है। नंबर 16, यदि आप इमली का पानी रोज़ाना पीते हैं तो यह आपके खून को प्योरीफाई करता है, आपकी बॉडी को स्लिम करता है और चेहरे पर निखार लाता है। नंबर 17, एक सर्वे में पाया गया है कि जो व्यक्ति बादाम का सेवन करते हैं उनकी आयु बादाम ना खाने वाले व्यक्ति से 20% ज़्यादा होती है। नंबर 18, सरसों के तेल में फिटकरी मिलाकर बालों में लगाने से बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं, साथ ही त्वचा पर लगाने से त्वचा इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। नंबर 19, सुबह उठकर आंखों पर ठंडा पानी मारने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 20, शरीर में पानी की कमी होने से डार्क सर्कल्स होते हैं, इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, ज़्यादा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। नंबर 21, जिन महिलाओं को कमर दर्द की समस्या है वह नारियल के तेल में 4-5 लहसुन की कली डालकर गर्म कर ले, फिर तेल को ठंडा होने के बाद कमर पर मालिश करें, इससे कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 22, रात को नाभि में नारियल या बादाम का तेल डालकर सोने से चेहरे और शरीर में निखार आता है। जैतून का तेल नाभि में डालकर सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 23, यदि आपको माइग्रेन का दर्द है, माइग्रेन का दर्द आधे सर में होता है, कभी कभी यह पूरे सर में भी होता है, तो इसे छुटकारा पाने के लिए जिस जगह दर्द है उसे 10 सेकंड के लिए दबाएं और फिर छोड़ दें, फिर 10 सेकंड के लिए दबाएं और फिर छोड़ दें, ऐसा बार बार रिपीट करें, ऐसा करने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 24, जब कभी शरीर पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पानी में 3 से 4 चम्मच दही को पानी में मिलाकर नहाने से शरीर का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। नंबर 25, किडनी स्टोन यदि शुरुआती दौर में है तो नींबू पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होगा। नींबू पानी में प्राकृतिक स्ट्रेट होता है जो स्टोन को तोड़ देता है और बनने से रोकता है। नंबर 26, जिन घरों में चींटियां ज़्यादा आती हो तो चींटी आने वाली जगह पर थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन डाल दे, चींटियां भाग जाएगी। नंबर 27, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 28, रात को सोने से पहले एक चम्मच खसखस को पानी में भिगो दे और सुबह उठकर खसखस को पीसकर दूध में मिक्स करके पीने से हड्डियां मजबूत होती है। नंबर 29, मूंग की दाल को उत्तम आहार माना गया है जो पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करती है और पेट में
ठंडक पैदा करती है जिससे पाचन और पेट में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होती है। नंबर 30, सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर सर पर लगाकर थोड़ी देर बाद सर धो ले, इससे सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। नंबर 31, पुदीना अदरक और अनार के दानों को मिलाकर उसकी चटनी बना ले और दोपहर में खाने के साथ इस्तेमाल करें, इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी नहीं होती है। नंबर 32, यदि गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करने से आराम मिलता है। नंबर 33, पालक में विटामिन ए, सी, आयरन और सोलिड जैसे तत्व होते हैं जो बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं और हेयर फॉल को रोकते हैं। पालक का सेवन करने से स्किन पर ग्लो आती है, इसलिए पालक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर 34, सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद करें, हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। नंबर 35, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। नंबर 36, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 37, जो महिलाएं अपनी पीठ सीधी करके बैठती है उन्हें कभी भी कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या नहीं होगी। नंबर 38, अगर दिन में 3 बार गर्म पानी पीने की आदत बना ली जाए तो शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, साथ ही मोटापा भी कम करने में मदद मिलती है। नंबर 39, दही में काला नमक और भुना जीरा मिलाकर खाने से न सिर्फ दही का टेस्ट बढ़ता है बल्कि ये भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।